हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माय लाइफ सपोर्ट में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टैली आरपी 9 में पहली एंट्री कौन सी होती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमें जब हम अपना कंपनी स्टार्ट करते हैं या अपना फैक्ट्री शुरू करते हैं या अपना ऑफिस सेटअप करते हैं तो उसके लिए जो है हमें कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो इस केस में जो हमारा पार्टनर या प्रोपराइटर होते हैं वो फर्म में पैसा लगाते हैं तो उसकी एंट्री होती है। ये वैसे सिंपल सी जनरल एंट्री है, तो मैं आपको ऐसे भी बता देता हूँ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो दोस्तों ये तो हो गई मैनुअल एंट्री, अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी पोस्टिंग कैसे हम टैली आरपी 9 में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आप अपना टैली आरपी 9 का सॉफ्टवेयर ओपन करिए, उसके बाद आप अपनी जो है कंपनी सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको आना है इस तीसरे वाले ऑप्शन पर, अकाउंटिंग वाउचर्स वाले ऑप्शन पर। अगर आप शॉर्टकट का यूज़ करना चाहें तो सिंपली वी प्रेस कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली वी प्रेस कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने वी प्रेस किया ये हमारा जो है पेमेंट का वाउचर ओपन हो चुका है। तो दोस्तों अभी हम अपनी कंपनी में पैसा लगा रहे हैं तो इसके लिए हमें रिसिप्ट के वाउचर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको रिसिप्ट का वाउचर का जो शॉर्टकट है यहाँ पर दिख जाएगा, तो आप F6 प्रेस कर सकते हैं, और अगर आप माउस का यूज़ करना चाहें तो माउस लाके आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ये रिसिप्ट का वाउचर जो है ओपन हो गया है। तो अभी आपको अगर डेट चेंज करनी है तो आप F2 का यूज़ कर सकते हैं, और आप माउस का भी यूज़ करने के लिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपना डेट चेंज कर लेता हूँ उसका। तो अभी ये इससे पहले 1/12/2017 थी, तो अभी यहाँ पर 2/12/2017 हमने ले लिया है। ओके, अब उसके बाद जो है हमारा अगला ऑप्शन आ रहा है अकाउंट का। तो आपको अभी पेमेंट किस में रिसीव हुआ है, आपको कैश रिसीव हुआ है या आपको बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है। तो आप यहाँ पे कैश या बैंक जिस भी अकाउंट में आपको रिसीव हुआ है तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमें बैंक के थ्रू रिसीव हुआ है, तो हम अपना यहाँ पर बी टाइप करेंगे। जैसे ही हमने बी टाइप किया यहाँ पर हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अकाउंट है हमारी कंपनी का वो आ चुका है, और अगर आप कैश का यूज़ करना चाहें तो कैश का भी कर सकते हैं। तो अभी हमें बैंक के थ्रू पेमेंट रिसीव हुआ, तो हम बैंक ऑफ बड़ौदा अपना जो है अपनी कंपनी का अकाउंट उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इसको सिलेक्ट करने के बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। उसके बाद अभी आपको पेमेंट किसके थ्रू रिसीव हुआ है वो यहाँ पर मेंशन करना है। तो हमें जो है पेमेंट इस कंपनी के प्रोपराइटर के थ्रू रिसीव हुआ है, तो इस कंपनी का प्रोपराइटर जो है चंदन कुमार है, तो हम इस वाले अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, चंदन कुमार कैपिटल अकाउंट। तो जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया ये अभी अमाउंट हमसे पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम अपना जो भी अमाउंट है उसे मेंशन कर देते हैं। मान लीजिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 7 लाख रिसीव हुए हैं, तो हम यहाँ पर 7 लाख मेंशन कर देते हैं दोस्तों। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करने के बाद दोस्तों एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगर आपकी कंपनी जो है पार्टनरशिप में है तो आप यहाँ पे अपने अलग अलग पार्टनर का जितना भी कैपिटल है वो यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। तो अभी एंटर प्रेस करने के बाद आपको दोबारा से एंटर प्रेस करना है यहाँ पर। तो एंटर प्रेस कर दिया हमने, और दोबारा से एंटर प्रेस करिए दोस्तों। यहाँ पर आपके कंपनी के प्रोपराइटर ने जो भी कंपनी में पैसा लगाया है उस चेक की डिटेल आएगी। तो यहाँ पर आपका चेक या DD जो भी आप इशू करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपका अमाउंट यहाँ पर आ गया है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट डेट, इंस्ट्रूमेंट डेट में होता है चेक की डेट। उसके बाद एंटर प्रेस करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर बैंक पूछ रहा है, मतलब आपके प्रोपराइटर ने कौन से बैंक का चेक दिया था। तो आप यहाँ पर एस प्रेस करिए। एस प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर दो ऑप्शन दिख जाएंगे, नॉट एप्लीकेबल और स्पेसिफाई बैंक नेम। तो आपको सेकंड वाला जो ऑप्शन है इसे सिलेक्ट करना है, तो हम एरो की का यूज़ कर लेते हैं, और हम इस सेकंड ऑप्शन पर आके हमें एंटर प्रेस करना है। और एंटर प्रेस करते ही आपसे ये बैंक नेम पूछेगा, तो हम अपना बैंक का नेम डाल देते हैं जिसके थ्रू भी हमें पेमेंट रिसीव हुआ है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। उसके बाद आपका यहाँ पे नरेशन आ जाएगा। नरेशन में हम अगेन अपना चेक का डिटेल डालेंगे, तो चेक नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटेड 2/12/2017। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए। और उसके बाद अभी ये
एक्सेप्ट यस और नो, तो हमें एक्सेप्ट करना है, तो वाई प्रेस कर दीजिए। अभी ये हमारी एंट्री हो चुकी है दोस्तों। दोस्तों अभी जो हमने कैपिटल की एंट्री की है उसे मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो कहाँ पर शो करेगी। तो आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है, बैलेंस शीट वाले। आप चाहें तो शॉर्टकट के लिए बी का यूज़ कर सकते हैं, तो मैं बी प्रेस करूँगा। और उसके बाद आपको अभी ये हमारी बैलेंस शीट जो है ओपन हो चुकी है, और इसमें अभी ज़्यादा एंट्रियाँ नहीं है इसलिए अभी ये सब कुछ ब्लैंक शो कर रहा है। तो हमने कैपिटल वाले अकाउंट में एंट्री की थी तो हमें कैपिटल वाला अकाउंट सिलेक्ट करना है। उसके बाद एंटर प्रेस करिए, उसके बाद अगेन एंटर प्रेस करिए, और उसके बाद जो हमने एंट्री की थी वो दिसंबर के मंथ में की थी तो इसलिए ये दिसंबर का मंथ में शो कर रहा है 7 लाख। तो अभी दोबारा से एंटर प्रेस करिए, उसके बाद अभी ये चंदन कुमार कैपिटल अकाउंट का लेजर ओपन हो चुका है और इसमें सिर्फ एक एंट्री है। तो अभी अगर आप इसे ओपन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए आपको एंटर प्रेस करना है, तो ये हमारा पूरा वाउचर जो है ओपन हो जाएगा। आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहें तो मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं ऑल्ट्रेशन, मतलब ये अभी मॉडिफाई के लिए रेडी है, तो आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इसमें डेट चेंज कर लें या बैंक चेंज कर सकते हैं या जो भी कुछ करना है आप सब कुछ इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट एंड बाय बाय।